जुलाई महीने से लापता दो छात्रों की हत्या के बाद मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं। मंगलवार को इम्फाल में स्टूडेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें एक टीचर समेत 54 छात्र घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी दो स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। मणिपुर में बिगड़ते हालात के बीच आज से 5 दिनों तक मोबाइल और इंटरनेट बैन कर दिए गए हैं। तो राज्य सरकार ने सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को 27 सितम्बर से 29 सितम्बर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं हालात को संभालने और दो छात्रों की हत्या की जाँच के लिए आज स्पेशल फ्लाइट से CBI के डायरेक्टर अपनी स्पेशल टीम के साथ मणिपुर पहुंच रहे हैं। राज्य में 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट से बैन हटने के बाद दो स्टूडेंट्स के शवों की फोटो सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जुलाई में दोनों स्टूडेंट्स एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।